हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लोखाड़िया। आज इस वीडियो में हम कॉलम क्रोमैटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। शीट क्रोमैटोग्राफी के बारे में हम इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें कि हमने थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी की प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस को किया था और पेपर क्रोमैटोग्राफी के एप्लीकेशंस और प्रिंसिपल को किया था। इस वाली वीडियो में हम कॉलम क्रोमैटोग्राफी स्टार्ट करेंगे। कॉलम क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है कि हम स्टेशनरी फेज को रखने के लिए किसी भी ग्लास की या फिर स्टील की, है ना, ग्लास की या फिर स्टील की कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जो हमारी स्टेशनरी फेज है वो हमारी सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है, लेकिन वो कैसी होगी, एब्जॉर्बेंट होगा। ठीक है, कैसा, सॉलिड और लिक्विड एब्जॉर्बेंट हमारी यहाँ पर स्टेशनरी फेज होगी। एज यूजुअल जैसे कि हमने पेपर क्रोमैटोग्राफी में और थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में पढ़ा था कि स्टेशनरी फेज का काम क्या होता है, रिटार्डेशन का, मूवमेंट को रिटार्ड करने का। ठीक है, ऐसा ही इसमें है। यहाँ पर स्टेशनरी फेज कहती है कैसा बिहेव करे, रिटार्डेंट की तरह। नाउ कम टू द सेकंड फेज, दैट इज मोबाइल फेज। यहाँ पर मोबाइल फेज लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हम कौन से कॉम्पोनेंट को आइसोलेट या सेपरेट करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये जो लिक्विड और गैस जो है, जो कि हमारी मोबाइल फेज है, वो कॉलम के अंदर कैसे रन करती है, क्या तो करेगी वो एक्सटर्नल प्रोसेस के थ्रू, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स दो या जैसे यहाँ पे पिस्टन लगा करके प्रेशर दो या कैसे भी करके दो, और कैसे करेगी, या फिर ग्रेविटी के थ्रू करेगी। मतलब कि आप इसके सेटअप को बना करके छोड़ दो और ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू धीरे धीरे उसमें से जो कंपोनेंट्स है वो आइसोलेट होने शुरू हो जाएंगे। इसमें देखो ऐसे होता है कि कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, स्टेशनरी फेज के साथ में उसकी क्या एफिनिटी है उसके बेसिस पे उनके मूवमेंट होता है और उसी से वो सेपरेट होते हैं और उनको हम अलग अलग बीकर्स में सेपरेट आउट कर लेते हैं, कॉलम्स में से जो भी निकलता है। ठीक है, तुम्हारे ये कॉलम क्रोमैटोग्राफी होगी। अब कॉलम क्रोमैटोग्राफी जो होती है ना वो भी कई तरीके की होती है, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में बताया था। तो इसके अंदर जो सबसे बेसिक वाली है, जो सिंपलेस्ट कॉलम क्रोमैटोग्राफी है, दैट इज एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। कौन सी है, एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। सिंपलेस्ट कॉलम क्रोमैटोग्राफी कौन सी है, एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, इसका जो इस्तेमाल हम करते हैं वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस के सेपरेशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस के लिए। अब जो हमारी एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी है उसका प्रिंसिपल क्या है, सॉलिड लिक्विड पार्टीशन। ठीक है, क्या है, सॉलिड लिक्विड पार्टीशन। अब स्टेशनरी फेज जो होती है, जो कॉलम के अंदर हम भरते हैं, वो फिर वो क्या है, इसके अंदर हम क्या लेंगे, पोलर। तो अब ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा मोबाइल फेज कैसी होगी फिर हमारी, नॉन पोलर, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। अगर स्टेशनरी फेज हमारी पोलर है तो नॉन पोलर क्या, मोबाइल फेज क्या होगी, वो नॉन पोलर। अब यहाँ पर पोलर स्टेशनरी फेजेस क्या है, यहाँ पर क्या तो हम एल्यूमिना ले सकते हैं, चारकोल ले सकते हैं, डायटमेरिशियस अर्थ ले सकते हैं, ठीक है, पाउडर्ड सुक्रोज ले सकते हैं, सिलिका चेक ले सकते हैं। ठीक है, मोबाइल फेजेस क्या हो सकती हैं, जो कि हमारी नॉन पोलर है, वो हमारा क्लोरोफॉर्म हो सकता है, इथाइल ईथर हो सकता है, हेक्सेन हो सकता है, या फिर इनका मिक्सचर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमें किस सब्सटेंस को सेपरेट करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो हमारी है ना, हमारी कॉलम है, कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, सॉलिड फेज को भर देंगे, सॉलिड नहीं मतलब हमारी स्टेशनरी फेज को फिल कर देंगे, वो सिलिका जेल भी हो सकती है, वो एल्यूमिनियम एल्यूमिना भी हो सकती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ ऊपर की साइड हम मोबाइल फेज के साथ में हमारा जो सैंपल है उसको लोड कर देंगे। सैंपल को लोड करने के बाद में वो ऐसे मोबाइल फेज के थ्रू स्टेशनरी फेज के ऊपर वो चलेगा, तो यहाँ पर जो सब्सटेंसेस नॉन पोलर होंगे, ठीक है, सपोज ये ए और बी दो हमने मॉलिक्यूल जो है वो आइसोलेट, जो कंपोनेंट्स है वो आइसोलेट कर लिए, जो बी कंपोनेंट है, ठीक है, ये इसके साथ में बी कंपोनेंट जो है वो हमारा मोबाइल फेज के साथ में कम सोल्यूबल है। अब कम सोल्यूबल है तो वो धीरे धीरे चलेगा, तो वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब जो ए मॉलिक्यूल है, जो ए कंपोनेंट है हमारा, वो मोबाइल फेज के साथ में बहुत ज्यादा सोल्यूबल है। अब उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है तो वो फास्ट मूव करेगा, उससे जल्दी जल्दी इसमें से निकल जाएगा। अब जो फास्ट मूव करेगा ना हमारा कंपोनेंट, वो कैसा होगा, उसकी नॉन पोलरिटी कैसी होगी, उसकी नॉन पोलरिटी हाई होगी, ध्यान रखना। ठीक है, देखो एक सेंटेंस का, एक वाले कंपोनेंट का पूरा बता देती हूँ, दूसरा वाला उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। देखो जैसे यहाँ पे बी है,
बी बहुत स्लो रन कर रहा है। वो स्लो रन क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि वो जो मोबाइल फेज है उसके अंदर उसकी सोल्युबिलिटी कम है। ठीक है, मोबाइल फेज के अंदर सोल्युबिलिटी कम होने की वजह से जो हमारा बी कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा स्लो मूव कर रहा है। ठीक है, अब वो स्लो मूव कर रहा है, उसका एक और रीजन क्या हो सकता है कि वो नॉन पोलर कंपोनेंट है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ऐसे ही दूसरे का, दूसरा जो कि फास्ट मूव कर रहा है, जो फास्ट मूव कर रहा है दैट मींस है कि उसकी सोल्युबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई है मोबाइल फेज में। अब सोल्युबिलिटी हाई है तो ऑब्वियसली बात है कि वो मोबाइल फेज के साथ जैसे मोबाइल फेज रन करेगी वैसी वैसी तेजी से वो भी रन करता रहेगा, है ना। अब वो रन कर रहा है तेजी से, दैट मींस उस मोलिक्यूल उस कंपोनेंट की जो नॉन पोलैरिटी है वो कैसी है? वो बहुत ज्यादा हाई है। ये सेंटेंस को बिल्कुल अच्छे से लिख लेना क्योंकि इनके बेसिस पे ही आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अगर कंपोनेंट ए मोबाइल फेज के अंदर हाईली सोल्यूबल है तो वो जल्दी से मूव करेगा के स्लो मूव करेगा। ठीक है, और अगर कोई कंपोनेंट फास्ट मूव कर रहे हैं मोबाइल के साथ में तो उसकी नॉन पोलर कलेक्टर हाई होगा कि लो होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, चलिए एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के बाद में हमारी दूसरी क्रोमेटोग्राफी है, दैट इज हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रोमेटोग्राफी। हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रोमेटोग्राफी जो होती है ये होती है कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, इसके अंदर जो हम कंपोनेंट यूज करते हैं दैट इज हाइड्रोक्सीलेटेड फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के सेपरेशन के लिए। किसके लिए करते हैं? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के सेपरेशन के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी की दैट इज हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, और हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या होता है? इट इज हाइड्रोक्सीलेटेड फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट करनी है। क्या बात सेट करनी है? कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रोमेटोग्राफी जो होती है वह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अंदर हम हाइड्रोक्सीलेटेड कैल्शियम फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये जो टेक्निक है इसके अंदर दो प्रिंसिपल काम करती है, ये मिक्स मोड पे काम करती है, इसीलिए इसको मिक्स मोड क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। इसके प्रिंसिपल में ये आता है कि ये मिक्स मोड क्रोमेटोग्राफी शो करती है। कैसे? देखो, जो इसके अंदर दो तरीके के आयन है, एक तो कैल्शियम आयन है, ठीक है, और एक फॉस्फेट। ठीक है, तो इसके अंदर जो कैल्शियम आयन है दैट शोज मेटल एफिनिटी। ठीक है, मेटल एफिनिटी या किसके साथ में? निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, कैल्शियम क्या करेगा? वो निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल के साथ में एफिनिटी शो करेगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। वैसे ही फॉस्फेट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन शो करेगा किसके साथ? पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स के साथ। अगली बात समझ में? इसके अंदर दो, एक इसके अंदर मिक्स्ड मोड होगा क्रोमेटोग्राफी का, जिसके अंदर की कैल्शियम तो एफिनिटी शो करेगा, ठीक है, और ये निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल के साथ में, जबकि फॉस्फेट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन शो करेगा किसके साथ? पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, इसके अंदर जो हम बफर यूज करते हैं इल्यूजन के लिए दैट इज फॉस्फेट बफर। इल्यूजन के लिए जो हम बफर यूज करते हैं वो कौन सा होता है? फॉस्फेट बफर होता है। अब एग्जाम के अंदर इल्यूजन ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका इल्यूजन ऑर्डर क्या होगा कि सबसे पहले तो सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसमें से आइसोलेट होगा, सेपरेट होगा, सबसे पहले वो कॉलम के बाहर निकलेगा। फिर उसके बाद में लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए होगा वो निकलेगा, और सबसे लास्ट में लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए निकलेगा। अगली बात समझ में? सबसे पहले सर्कुलर निकलेगा, फिर लीनियर निकलेगा, और फिर डबल स्टैंडर्ड वाला निकलेगा। बस ये हमारा इल्यूजन का ऑर्डर है। इससे ज्यादा इस वाले क्रोमेटोग्राफी के बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी के। नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होने को तो सभी इंपॉर्टेंट है पर ये भी बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम के बेसिस पे इसको पूछ के, जैसे कि पूछा जा सकता है कि जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में लिखो,
मोलिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी के बारे में लिखो या बता, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, मतलब ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी को और क्या कह सकते हैं, मोलिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये सारे नाम जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी के ही है, जो कि कोलम क्रोमेटोग्राफी का ही एक टाइप। अब इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा, इसका प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। ठीक है, देखो यहाँ पे सीव वाली बात आ गई। सीव क्या अंदर जो सीव का मेन काम क्या होता है कि वो मोटे साइज के मॉलिक्यूल्स को ऊपर रख लेता है और छोटे साइज को नीचे सीव कर देता है। ठीक है, साइज एक्सक्लूजन से आप बिल्कुल आराम से अंदाजा लगा सकते हैं, जेल फिल्ट्रेशन से भी आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, जेल परमिएशन से भी। ठीक है, तो ये जो क्रोमेटोग्राफी होती है इसके अंदर जो सेपरेशन होता है मॉलिक्यूल का, वो किसके बेस पे होता है, वो होता है साइज के बेसिस पे। ठीक है, मॉलिक्यूल का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतना ही तेज सेपरेट होगा। ठीक है, ठीक है, आप ग्रेविटेशनल फोर्स वाली बात दिमाग में रख लो कि भारी जो होगा वो ऊपर से नीचे तेजी से गिरेगा। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स उसके ऊपर ज्यादा लगेगा तो वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो हम साइज की बात कर रहे हैं ना, उसको कुछ एग्जामिनर्स जो है ना वो टेक्निकल टर्म में भी पूछ सकते हैं कि जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी जो होता है उसके मॉलिक्यूल का जो सेपरेशन होता है वो हाइड्रोडायनेमिक वॉल्यूम के बेसिस पे होता है। कैसे होता है, हाइड्रो डायनेमिक वॉल्यूम, ये भी साइज ही है, हाइड्रोडायनेमिक वॉल्यूम भी साइज ही है। इसको रेडियस ऑफ गायरेशन भी कहते हैं। कैसे, देखो जैसे ये कोई है हमारा मॉलिक्यूल, ये है इसका रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो अब ये उसके रेडियस ऑफ गायरेशन के बेसिस पे ही तो होगा, यानी कि जितना रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही तेज मूव करेगा। ठीक है, देखो जैसे कि ये हमारा कॉलम है, कॉलम के अंदर हमने हमारा स्टेशनरी फेज भर के रखी हुई है। ठीक है, इसके अंदर हम पोरस बीड्स का इस्तेमाल करते हैं एज ए स्टेशनरी फेज। किसका इस्तेमाल करते हैं, पोरस बीड्स का। ठीक है, वो बीड्स ऐसे भरी हुई होती है, इसके अंदर फिर हम हमारा सैंपल लोड कर देंगे। सैंपल लोड करने के बाद में जो मोटे वाले जो जिनका साइज बड़ा होगा, जिनका हाइड्रोडायनेमिक वॉल्यूम ज्यादा होगा, वो मॉलिक्यूल्स नीचे जल्दी से आ जाएंगे। ठीक है, जिनका रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा होगा वो नीचे जल्दी से आ जाएंगे, जो छोटे छोटे होंगे वो ऊपर की साइड रह जाएंगे। इसके अंदर जो हम जेल मटेरियल यूज करते हैं वो पूछा जा सकता है, उनको याद कर लेना आप, वो कौन कौन से हैं, सिफेडेक्स, बायोजेल और सिफेरोस। ठीक है, ये हमारा जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ठीक है, अब हम जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, जीपीसी का इस्तेमाल हम प्रोटीन फ्रैक्शनेशन में करते हैं, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में करते हैं, मोलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन में भी करते हैं। अगर हमें शुगर, प्रोटीन, पेप्टाइड इन सब का सेपरेशन करना हो उनके साइज के बेसिस पे, तो भी हम जीपीसी का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस टेक्निक का हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होती है ना, प्यूरिफाइड प्रोटीन के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन के लिए भी कर सकते हैं। तो आई होप आज जितनी भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं, उनके प्रिंसिपल्स और उनके यूज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।